अगर आप दिल्ली से हैं और आप अपने पासपोर्ट में अपना नेम चेंज करवाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पासपोर्ट में अपना नेम चेंज आप कैसे करवा सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट में आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स या आपके बर्थ सर्टिफिकेट या अदर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नेम के रिगार्डिंग अगर कोई भी इशूज़ है या तो आपके सरनेम के साथ कोई प्रॉब्लम है, सरनेम ऐड करवाना हो, रिमूव करवाना हो, या सरनेम में चेंजेस करवाने हैं, या फिर मिडिल नेम ऐड करवाना हो, मिडिल नेम रिमूव करवाना हो, या मिडिल नेम में चेंजेस करवाने हो, या फर्स्ट नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, फुल नेम ही आप अपना चेंज करवाना चाहते हैं, तो सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन आपको बनवाना होगा। और ये सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसकी मदद से आप अपने पासपोर्ट में अपना नेम अपडेट करवा सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि गजट नोटिफिकेशन क्या होता है। सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, और ये सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल पर पब्लिकेशन होता है आपका, जो आपका हर एक स्टेट के लिए वैलिड होता है एंड हर एक डॉक्यूमेंट के लिए वैलिड होता है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए वैलिड होता है और लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। अगर ये सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन आपके पास है, आपके पासपोर्ट में बिना किसी प्रॉब्लम के अपना नेम अपडेट कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए। गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए हमें सबसे पहले एक एफिडेविट बनवाना होता है जिसमें मेंशन होती है आपकी डिटेल्स, आपका सही नाम, आपका गलत नाम, आपका एड्रेस, दूसरा आपके डॉक्यूमेंट में जिस भी स्टेट का एड्रेस होता है उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट में जो भी स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग दो न्यूज़पेपर में एड पब्लिकेशन होता है, वन लोकल एंड वन नेशनल, जिसमें आपके डिटेल्स मेंशन होती है। दूसरा जो एफिडेविट में डिटेल्स होती है वही डिटेल्स आपको न्यूज़पेपर में आगे पब्लिकेशन के लिए देनी होती है। तीसरा एक डिजिटल सीडी आपने रेडी करवानी है। जैसे ये थ्री स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेते हैं आपने अपनी फाइल को गवर्नमेंट ऑफिस में ले जाना है और जमा करवा देनी है। कुछ समय इंतजार करने के बाद गवर्नमेंट जब आपको सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है उसकी मदद से आप अपने पासपोर्ट डिपार्टमेंट में जाकर पासपोर्ट ऑफिस जाकर गजट नोटिफिकेशन दिखाकर आप अपने पासपोर्ट का रनिंग अपडेट करवा सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।